लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी स्कीम के चुनावी वादों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, जो लोग 70 साल में बैंक खाते नहीं खुलवा पाए वो पैसे डलवाने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जब मैं बैंक में खाते खुलवाता था तो कुछ बुद्धिमान लोग कहते थे कि देश में बैंक ही नहीं है तो खाते से क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश के 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग, अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए वो कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। अपनी पहली चुनावी रैली में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्हें देश का महान सपूत बताया। इस तरह उन्होंने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की जो पश्चिमी यूपी की सियासत में काफी असर रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। वहीं यूपी की पिछली सरकारों का हवाला देते हुए मोदी ने पूछा, महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं? क्या इनकी सरकार में देश सुरक्षित रह सकता है? चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। गरीबी के नारे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को ही गरीबी का कारण बताया। पीएम ने कहा, कांग्रेस को हटाओगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चौकीदार में डरने वाले संस्कार नहीं है। 72 साल तक गरीबों से गद्दारी करने वाली कांग्रेस कभी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकती। और इसलिए अब देश का गरीब भी कह रहा है, कांग्रेस हटाओ गरीबी अपने आप हट जाएगी। जब तक कांग्रेस किसी भी कोने में रहेगी गरीबी भी रहेगी। गरीबी का कारण ही कांग्रेस है। देशवासी को ऐसी भाषा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बजती हो। आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है, वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। पीएम मोदी की मेरठ रैली के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि NYAY योजना का मजाक उड़ाना देश के गरीबों का मजाक उड़ाना है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि SP RLD और BSP की तुलना शराब से करके पीएम ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं। ड्रामा किंग ज्यादा है, प्रधानमंत्री कम है। क्या आप राजनीतिक दलों को अब आप इतना गिर जाएंगे राजनीतिक मर्यादाओं में? पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हुंकार भरी। कलियाबोर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि फिर सरकार बनी तो देश से हर घुसपैठिया बाहर होगा। कांग्रेस पर असम से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को शरण देने में मानती है। काजीरंगा में से घुसपैठियों को हटाने की कोई हिम्मत नहीं करती।
चुनावी मौसम में नेताओं के बीच विवादित बयान देने की होड़ लग गई है। संभल में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने जयाप्रदा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी। मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका लगाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फिर बच्चा कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी छोटे बच्चे हैं, उनकी बातों पर उन्हें टिप्पणी नहीं करना है। दरअसल राहुल गांधी ने 23 मार्च को मालदा की रैली में ममता बनर्जी सरकार को अत्याचारी कहा था, जिस पर आज जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा कह दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा ने प्रधानमंत्री मोदी पर शर्मनाक बयान दिया है। पुंछ में राणा ने कहा अगर उनका वश चले तो वो प्रधानमंत्री मोदी पर देश भर में हुई हत्याओं का केस लगा दें। राणा ने हत्याओं के केस में प्रधानमंत्री को अंदर ठोक देने की भी बात कही। खुदा की कसम अगर मेरा बस चले, अगर मुझे इतना अल्लाह ताला इंतजार दे तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी कत्ल हुए हैं जम्मू कश्मीर में और देश में, मैं इसको कत्ल के केस में अंदर ठोक दूं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम परंपरा को खत्म किया है और दूसरे कातिल कौन है? देश की मीडिया। अमेठी के बाद रायबरेली में भी पोस्टर के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा का विरोध किया गया। रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय के पास सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर पर लिखा था, जब जब आई संकट की घड़ी कबो न महतारी बिटिया दिखाई पड़ी, सेवा के लिए दिहने रहे वोट लेकिन प्रियंका सोनिया की हिंद दिल पर चोट, फिरोज की नातिन रेहान की माई चुनाव मां मंदिर मंदिर परी दिखाई। पोस्टर्स को लेकर बीजेपी का कहना है कि इन पोस्टर से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा लगातार लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 30 सालों से हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, ऐसे में अगर साल 2004 में वाजपेयी की सरकार बनी होती तो देश के 10 साल बर्बाद नहीं होते। पटना साहिब से टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस मसले को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने उनके घर भी गए। सूत्रों के मुताबिक अब नवरात्र के शुभ मुहूर्त और घड़ी में इसकी घोषणा होगी। कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अब नवरात्रि के पहले दिन 6 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे। पटना साहिब से उम्मीदवारी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सिचुएशन जो भी हो लोकेशन वही रहेगी। नवरात्रि सबसे शुभ दिवस है, इसलिए हम समझते हैं हम नवरात्रि में जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छी सार्थक पॉजिटिव खबर देंगे। बिहार में महागठबंधन के बीच कई दिनों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। आज बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के घर उनसे मुलाकात की। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में ही घमासान शुरू हो गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी के छात्र संगठन से इस्तीफा दे दिया है। तेज प्रताप आरजेडी छात्र संगठन के संरक्षक पद पर थे। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि मुझे नादान न समझे, मुझे पता है कि कौन कितने पानी में है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन जब उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विजयवाड़ा में चुनावी सभा के दौरान टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की। सभा के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को साइकिल पर बिठाया। वहीं मुख्यमंत्री को अपने नजदीक पाकर महिला काफी भावुक हो गई। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नायडू ने पीएम मोदी समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने आगामी चुनाव को आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई करार दिया और लोगों से सतर्क रहने को कहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी से निलंबित सांसद हरिंदर सिंह खालसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता अरुण जेटली की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी ही देश को सही दिशा में लेकर जा सकती है। नो, आई ज्वाइन बीजेपी बिकॉज बीजेपी ही एक पार्टी है जो इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल की है। डीएम ने पूरे जिले में वोट की मेहंदी अभियान शुरू किया जिसमें बेसिक शिक्षिकाओं के हाथों में मेहंदी लगवाकर उन्हें मेहंदी की ट्रेनिंग दी गई। ये शिक्षिकाएं पूरे जिले में अपने अपने स्कूलों और गाँव में जाकर महिलाओं के हाथों में वोट की मेहंदी लगाएंगी। इस वोट की मेहंदी अभियान का मकसद पूरे जिले में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाना है।